नमस्ते, कैसे हम सब लोग। जादू चैप्टर 5, आज हम आए हैं जादू चैप्टर 5 पे। हमारी जो प्रैक्टिस है वो कैसे चल रही है। आपने पहले दिन किया ग्रैटिट्यूड एंड देन किया मेडिटेशन, फिर आपने क्या किया थर्ड डे पर मेडिटेशन एंड ग्रैटिट्यूड को जोड़ दिया। अब ये जो दोनों चीजें हैं ये कंटिन्यू चल रही हैं। कैसे? ग्रैटिट्यूड भी दे रहे हैं आप, मेडिटेशन भी कर रहे हैं आप, ग्रैटिट्यूड भी कर रहे हैं आप, मेडिटेशन भी कर रहे हैं। फिर रिलेशनशिप आया, रिलेशनशिप के अलग से कुछ जो चीजें थी, जैसे मैंने बताया कि 3 आपको रिश्ते लेने हैं, फिर वो आपने जोड़ा। फिर अब चौथा चैप्टर आया, फिर आपने उसको जोड़ा जहां पर मैंने आपको वॉलपेपर टेक्निक एंड वाटर टेक्निक दी। ठीक है, फिर ऐसे 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 धीरे धीरे आपकी जो प्रैक्टिस है वो एक साथ चल रही है। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को इस तरीके के हैं कि आज क्या ग्रैटिट्यूड करना है, आपको डेली करना है। आज क्या मेडिटेशन करनी है, आज छोड़ दें, ना ना, आपको डेली करनी है। यही तो हीलिंग प्रोसेस है, यही तो पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रोसेस है जो आपके बेस को अभी रेडी करेगा। यानी कि आपकी जो प्रैक्टिस शुरू के 2 दिन आपने जोड़ी ना, वो जैसे जैसे जुड़ती जा रही है, ये दोनों चीजें आपको छोड़नी नहीं है। मेडिटेशन एंड ग्रैटिट्यूड, बीच बीच में मैं मेडिटेशन एंड मैनिफेस्टेशन आपको देती जाऊंगी, जहां पर छोटे 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 आपको पर्क्स मिलते जाए, जहां पर आपको हेल्प होती जाए कि आप प्रैक्टिस तो करें और आपको साथ साथ के मजा भी आ रहा है और आप चैप्टर्स के साथ एंड हीलिंग एंड जो सेल्फ लव वाली हैं सारे के सारे प्रोसेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 5th चैप्टर। चैप्टर जो है मैंने पूरा पढ़ लिया है, अभी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ प्रैक्टिस। अभी भी स्टोन से जुड़ करके बहुत सवाल है भाई। आपको जैसा स्टोन मिलता है ले लीजिए, चुभना नहीं चाहिए, बस वो पत्थर होना चाहिए। जिन लोगों को पत्थर नहीं मिल रहा टेंशन मत लीजिए, आपके पास में कॉइन होगा ना, कॉइन आ जाता है ना मुट्ठी में, कॉइन ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। रुद्राक्ष है ले लीजिए, बस क्रिस्टल को अवॉइड कीजिए। बाकी जो ऐसी ठोस से चीज मिले जिसको आपको बार बार धोने की जरूरत नहीं है, प्लीज वो ले लीजिए। इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है और थोड़ा इजी रहिए, ठीक है। बस स्ट्रिक्ट कहाँ रहना है कि कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करने की पूरी पूरी कोशिश करनी है। 1 से 2 दिन अगर थोड़ा बहुत हिल गया 56 डेज में तो कोई बात नहीं, उस जो 2 से 3 दिन है उनको आप आगे लगा दीजिएगा। यानी कि 56 डेज के बाद में 3 से 4 दिन एज ए पनिशमेंट ले लीजिएगा कि आपको डबल डेज तक करना है इस प्रैक्टिस के, जो लास्ट चैप्टर तक हम आगे जाएंगे, ठीक है। इजी रहिए, थोड़ा इजी रहिए, है ना। स्ट्रिक्ट बनाने के पीछे का रीजन ये है कि आप कंटिन्यू देख सकें कि आप अपने लिए कितना समय निकाल सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं हमारे चैप्टर 5 की, और इसका जो नाम है वो है जादुई धन, मैजिकल मनी। मैजिक मनी आपको जो बोलना है आप बोलिए, बस ये धन से जुड़ी हुई प्रैक्टिस है, ठीक है। पहले दिन की आपको प्रैक्टिस यहां पर ऐड करनी है, यानी कि 4 अब जो आपको अफर्मेशंस लिखने जो 10 आपको अफर्मेशंस लिखने हैं वो कौन से हैं, जो चीजें आपके पास हैं। अब आपको यहां पर क्या ध्यान देना है, आपको वो चीजें लिखनी है जो उस धन के द्वारा आपके पास में आई है, जो आपने कमाया नहीं लेकिन आपने उसका इस्तेमाल किया है और आप अभी तक उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ऐसी कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? हो सकता है कि आप अपने मम्मी पापा के घर में रहते हो और वो घर आपने नहीं खरीदा, यानी कि वो धन से तो लिया गया है लेकिन आपने नहीं लिया। आपके मम्मी पापा का हो सकता है, आपके दादा दादी का हो सकता है, आपके हस्बैंड का हो सकता है, आपके हस्बैंड के पेरेंट्स का हो सकता है, आपके इन-लॉज का हो सकता है, आपके आपके इन-लॉज की फैमिली में किसी और का हो सकता है, किसी किराए के घर में आप रह सकते हैं, उन ओनर का हो सकता है, ठीक है। यानी कि आपको अब उन चीजों को पिक करना है जो आपने अपने धन से नहीं खरीदी, यानी कि आपने खुद से कमा के नहीं खरीदिया। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मैंने घर का आपको एक एग्जांपल दिया ना, गिफ्ट हो सकते हैं आपको जो गिफ्ट्स मिले हों, ऑब्वियसली उसमें धन लगा है लेकिन आपका नहीं लगा है, ठीक है। यानी कि आपको यहां पर कृतज्ञ होना है उन चीजों के लिए। वो आपको 10 अफर्मेशंस आज से ऐड करनी है। पिछली जो 10 अफर्मेशंस थी ना, आप बहुत सारी चीजें लगा रहे थे, उनको हटाइए, उनको रहने दीजिए। आपने अभी तक जैसे किया वैसे किया, अब वो जो प्रैक्टिस है यहां से चेंज हो रही है। अब आपको वो चीजें लगानी है जो आपको मिली है लेकिन उसके ऊपर आपने खर्च नहीं किया है। आपके गिफ्ट्स, आपका घर, आपकी स्कूल की जो चीजें हैं वो, आपकी जो पढ़ाई है बचपन से लेकर के आपने जब तक आपने कमाना नहीं शुरू कि आपने पढ़ाई की ना, उसमें आपका धन नहीं लगा। बचपन में आपको जो कपड़े मिले, आपको जो चीजें ऐसी मिली, और कोशिश करिए वो वाली चीजें जरूर रखिएगा जो अभी आपके पास में है, ठीक है। तो अगर आपके पास में कुछ बचपन की ऐसी चीजें हो,
बहुत सारे लोग संभाल कर के रखते हैं, और अगर अभी मिली हुई चीजें हों, गिफ्ट्स हों, सब आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो 10 अफर्मेशंस आज से चेंज हो रही हैं, ये वो अफर्मेशंस हैं, ये वो चीजों के बारे में आपको लिखना है। आप यहाँ पे अफर्मेशंस को ना चेंज कर सकते हैं, आपके पास 10 से ज्यादा चीजें आप वो लगा सकते हैं। जिनके पास 10 से ज्यादा चीजें नहीं है ना, वो क्या करेंगे, आपको यहाँ पर ये लगाना है एंड देन आपको क्या करना है, 10 ही चीजों को रोज रिपीट करना है जिनके पास 10 से ज्यादा नहीं है। जिनके पास 10 से ज्यादा है वो आगे पीछे कर सकते हैं, कभी नई कभी पुरानी कभी मिक्स एंड मैच ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपकी हेल्थ आ सकती है, आपकी तबीयत कभी भी खराब हुई हो लेकिन किसी और ने, आपके मम्मी पापा ने, आपके किसी रिश्तेदार ने आपके ट्रीटमेंट में आपको हेल्प की हो, उसी का नतीजा आज आपकी हेल्थ है, आप जैसे भी हूं, तो इस चीज को बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई आपकी अफर्मेशंस की बात, जो कि आपकी पहले डे की प्रैक्टिस है, उसमें जो अभी तक आप कर रहे थे उसको चेंज करते हुए यहाँ पे धन से जुड़ी हुई प्रैक्टिस को लगाना है, अफर्मेशंस को लगाना है, जो कि होंगी 10। अब यहाँ पर है बैठ करके कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें, आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए मिल गई हैं। अब ये बोबली बात है जहां पर आपको सोचना है, यानी कि आपको अपने बचपन में जाना है। अफर्मेशंस आपको कौन सी कोशिश करनी है, लगानी है, जो चीजें अभी आपके पास हैं, यानी कि आप उनकी अफर्मेशन लिख रहे हैं जो चीजें आपके पास में हैं, ठीक है। कोशिश पूरी करनी है, जिनको ना मिल पाए वो थोड़ी बहुत आगे पीछे की अपने कॉलेज टाइम के अपने स्कूल टाइम की चीजें लगा सकते हैं, पर मुझे लगता है कि 10 चीजें ऐसे गिफ्ट वगैरह को लेकर के, घर को लेकर, रेंट के घर को लेकर मिल जाएंगे आपको। अब यहाँ पर आपको ये सोचना है, यानी कि थॉट क्रिएट करना है, ये भी कृतज्ञता वाला थॉट है कि यार वाओ, मैं जब से पैदा हुई या मैं जब से पैदा हुआ, मेरे दूध से लेकर के मेरी जब तक मैंने कमाना नहीं शुरू किया, अपने ऊपर खर्च करना नहीं शुरू किया, अपने पैसे खुद के नहीं कमाए हैं, तब तक मेरा खाना पीना कपड़े छत इलेक्ट्रिसिटी का बिल, मेरा आना जाना, मेरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, मेरी हर चीज दूसरे के द्वारा की गई है, वो मैंने नहीं कमाए थे, है ना। वो हमारे मम्मी पापा, हमको, हमारे जो केयर टेकर हैं, जो जिनके भी यहाँ पर हमारा जो नॉर्मली हमारे पेरेंट्स ही हमको पालते हैं, बट कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है जो अपनी फैमिलीज में पले बड़े होते हैं बच्चे, है ना। तो आपको ये अपनी कृतज्ञता के दौरान याद रखना है कि वाओ, है ना। तो रोज डेली आप 2 से 3 मिनट इस चीज में निकालें कि आपके बचपन में ऐसी कौन कौन सी चीजें आपको मिली हैं जो जिस पे आपने पैसे खर्च नहीं किया। 100% सबको मिले हैं, ठीक है। जब आप अपनी याद को ताजा करते हैं, जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया है, तहे दिल से थैंक यू बोलना है, आपको फील करना है कि यार मेरे स्कूल की फीस, 1 से लेके 12वीं तक की, कॉलेज तक की, जब भी आपकी फीस आपके पेरेंट्स ने, आपके गार्जियंस ने आपके लिए पे की है, तो आपको अपने गार्जियंस के लिए, यूनिवर्स के लिए और उस पे की गई मनी के लिए थैंक यू बोलना है दिल से, ठीक है। तो फीलिंग फीलिंग फीलिंग, और ये आपको प्रैक्टिस जो है ना, जब तक मैं चेंज नहीं करती आगे प्रैक्टिस, तब तक आपको कंटिन्यू करना है। $1 का नोट लेना है और उस पर आपको स्टिकर चिपका देना। अब यहाँ पर मैं कहूंगी कि आप अपने लिए ना ऐसा कोई नोट लें, 10 का, 20 का, 50 का या 100 रुपए का। मेरे पास 100 रुपए का नोट आज भी है, मैंने जब ये प्रैक्टिस शुरू की थी तब चिपकाया था। सेलो टेप साइड्स में लगा दीजिए ताकि नोट आपका जो है ना वो खराब भी ना हो, और उसके ऊपर आपको लिखना है उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। यानी कि कौन सा आपने धन लगा दिया, अब आपने ये जो अफर्मेशन डाली ना, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। आपको ये याद ना रहे, मैं कमेंट सेक्शन में भी लिख दूंगी, कम्युनिटी में पोस्ट में भी मैं ये लिख दूंगी, ठीक है, ताकि आप इसको अच्छे से अपने नोट के ऊपर लिख सके। आप इंग्लिश में, आप गुजराती में, आप मराठी में, आप हिंदी में, आपकी जो भी अच्छे लगते हैं ना आपको, कि आपको बोलने में कंफर्टेबल है, आप इजी फील करते हैं, फीलिंग आती है, उसमें लिख लीजिएगा, लैंग्वेज का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है, तो आप इसको लिख लेंगे और लिख करके साइड में सेलो टेप से चिपका देंगे, बस, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अपने जादुई नोट को अपने साथ में रखें कम से कम एक बार दोपहर में, और जितनी ज्यादा अधिक बार हो सके आप अपने नोट को निकालें और जादुई शब्द धन्यवाद कहें, आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच में कृतज्ञ हूं। अब जब आप इस नोट को देखते हैं, यानी कि आप अपने बचपन से लेकर के अभी अगर आप कमा रहे हैं और आप अपना खुद का भी खर्चा उठा रहे हैं या नहीं भी उठा रहे, आप उस सारे धन के लिए कृतज्ञ हैं जो चीजें आपको बिना पैसे दिए भी मिली हैं, जो चीजें आपको गिफ्ट में भी मिली हैं, जो चीजें आपने कमा के मिली हैं, यानी कि आप सारे धन के लिए आप इस नोट में अपनी कृतज्ञता दर्शाएंगे कि आर्थिक आप समृद्ध हैं, यानी कि आप फाइनेंशियली बहुत ही अच्छे हैं,
ठीक है। ये हो गई चीज कि आपको नोट को देख करके कोशिश करनी है कि दिन में आप ज्यादा बार ये प्रैक्टिस कर सकें, लेकिन नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बार करनी है, मिनिमम एक बार आप दिन में कभी भी प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, कभी भी को लेकर के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सुबह करें, रात को करें, दोपहर में करें। देखिए, मैंने पहले दिन ही कह दिया था, इजी रखिए, कोशिश करिए कि सुबह करिए और रात को सोने के पहले करिए। लेकिन अगर आपका टाइम ऐसे सुबह और शाम वाला, रात वाला नहीं मैनेज हो रहा ना, तो प्रैक्टिस में छोड़िए, दिन में आपको जब मौका मिलता ना करिए, ठीक है। एक बार, एटलीस्ट एक बार नोट वाली प्रैक्टिस आप कर ही लें। उस नोट को ना ऐसे लगाएं, वैलेट में ना सीधा लगाएंगे आप ना, तो आप आराम से, वो फटेगा भी नहीं। आप बार बार अगर उसको देखते भी हैं, तो मैं ऐसी जगह कहूंगी, या तो आप उसको, वो जो लेमिनेशन वाले पाउच आते हैं, उसके अंदर डाल दीजिए, नहीं तो फिर आपके पर्स के अंदर ही, अगर ऐसी वाली पॉकेट है जहां पर से आपको वो दिखाई दे सकता है इजीली, तो वहां पर लगा दीजिए, जो कि लाइन है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर मिला है। दिन में एटलीस्ट एक बार कॉन्शियसली आपको इसको देखना है। ज्यादा बार आप देखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। फाइनेंशियल आपको क्राइसिस है, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो ऐसी केस में आप थोड़ा ज्यादा कोशिश करेंगे, ठीक है। जॉब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी सैलरी को इंक्रीज करने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या बहुत टाइम से फाइनेंशियल किसी क्राइसिस में फंसे हुए हैं, उधार है, आपको किसी से पैसा लेना है, तो मतलब पैसे से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो आप कोशिश करें कि आप एक से ज्यादा बार ही देखें इस नोट को। अदरवाइज अगर सारी चीजें ठीक है, तो मिनिमम वन टाइम तो आपको इसको देखना ही है, देखना है, बस देखना है और पढ़ना है एंड फील करना है। मैं सारे धन के लिए, जितना भी मेरे जीवन में अब तक मुझे मिला है, आज भी मेरे बैंक अकाउंट में है, धन्यवाद, उस नोट की लाइन को पढ़ के आपको बोलना है, मैं उस सारे धन के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे जीवन भर मिला है, उस सारे धन के लिए मैं कृतज्ञता देती हूँ या देता हूँ जो मुझे जीवन भर मिला है, और इसके अंदर जो लाइन है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर मिला है। तो ये जो लाइन है ना, इनका सबका मतलब एक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन ये जो लाइन होगी इसे मैं नीचे कॉमेंट में पिन कर दूंगी ताकि आपको ईजी हो जाए। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां पर आपको यह हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होना याद रहे, याद रहे। तो इसके लिए जब भी कोई चीज को याद करना होगा तो आप क्या करते हैं, इस चीज को ऐसी जगह रख देते हैं। तो मैं कहूंगी कि आप अपने फोन के अंदर चाहें तो उसका फोटो क्लिक करके रख लें, जिसे आप अक्सर देख सकें, क्योंकि नोट, मैं भी समझती हूँ कि रोज रोज इस तरीके से निकालना और वापस पर्स के अंदर रखना, फटने के चांसेस हो सकते हैं। तो आप अपने फोन के अंदर इसके एक अच्छे से फोटो को क्लिक करके ऐसे रख सकते हैं, जो कि गैलरी के अंदर हो और आप उसको देख सकते हैं कॉन्शियसली, ठीक है। एक बार आपको प्रैक्टिस करनी है, या तो आप नोट निकाल करके प्रैक्टिस करें, या फिर आप अपने फोन वाले नोट के अंदर इसकी प्रैक्टिस करें, और ऐसी जगह रखने के लिए इसलिए बोला गया है ताकि आपको याद रहे कि आप कितना ज्यादा ग्रेटफुल हैं, आपके पास में जो मनी है और आपके लिए जो मनी का इस्तेमाल किया गया है, भले ही आपने कमाई हो या ना कमाई हो, और आज भी आप जो कमा रहे हैं आप उसके लिए कृतज्ञ हैं, ये आपको याद रहे। उसके बाद लास्ट वाली आपकी प्रैक्टिस है, आपने जो डीप ब्रीदिंग वाली प्रैक्टिस है ना, वो दिन में आपने कभी भी कर ली, ठीक है। लेकिन जो आपको एक ब्लेसिंग काउंट करने वाली प्रैक्टिस है ना, कि आज आपके पूरे दिन में क्या अच्छा हुआ है, आपके पास ज्यादा अच्छा हुआ है तो आप ज्यादा बोल दीजिए, है ना। यानी कि आपको जो अपने पत्थर से बात करनी है कि थैंक यू यार, आज ना बहुत ही अच्छा हुआ है ना, तो आपके ये बेस्ट फ्रेंड बना रहे हैं, ये एनर्जी से भी आपने इसको भर दिया। यानी कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो फील करते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर जाती है और नेगेटिव एनर्जी बाहर जाती है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप अपने पत्थर को कवर करके रखें और फील करें कि आपके अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके हथेली के द्वारा इसके अंदर जा रही है, और ये आपको आगे जाके बहुत हेल्प करने वाला है। तो अगर आप भी ले रहे हैं ना, तो कंटिन्यू कॉइन रखिए और उसको किसी कपड़े वगैरह में बांध करके, जैसे लोग रखते हैं ना पोटली सी छोटी सी बना करके, अपने पर्स में रख लीजिए, कभी भी आप उसको निकालेंगे और थैंक यू बोलेंगे और हो गया, ठीक है। तो बस इतनी सी प्रैक्टिस है, मेरा पत्थर जो है वो नीचे गिर गया है, कोई बात नहीं, अभी मैं उठा लेती हूँ। तो ये प्रैक्टिस है और इसको आपको कंटिन्यू करना है। कल जो है ना, मैं इसके साथ जो मेडिटेशन और हीलिंग जो जोड़ने वाली हूँ ना, वो थोड़ी सी हल्की सी डिफरेंट होने वाली है। डीप ब्रीदिंग तो कंटिन्यू ही रहेगी, लेकिन उसके साथ में ना एक छोटी सी अफर्मेशन वाली जो प्रैक्टिस है ना, वो मैं थोड़ी सी हल्की सी 2 मिनट की मेडिटेशन के साथ जोड़ने वाली हूँ, ताकि आपको हेल्प हो जाए और आपका जो मेडिटेशन का टाइम है ना, वो डीप ब्रीदिंग
मेडिटेशन के बाद एटलीस्ट 2 मिनट का स्टार्ट हो जाए, जिससे कि आपको थोड़ा मेडिटेशन से भी हीलिंग वाली जो हेल्प है ना वो मिलनी शुरू हो जाए, ठीक है। क्योंकि मेडिटेशन से जुड़ के भी बहुत सारे सवाल आते हैं, तो यहां से हम ज्यादा नहीं करूंगी, बस 2 से 3 की मिनट की जो मेडिटेशन है ना वो आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी। डाउनलोड कर दीजिएगा, मैं जितने भी मेडिटेशन वाली चीजें आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ ना, प्लीज आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और आपको जब भी मौका मिलता है ना वो कर लीजिए। सच में वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। डीप ब्रीदिंग आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। 2-2 मिनट 3-3 मिनट की जो मेडिटेशंस हैं, वाटर अफर्मेशन की जो मैंने आप लोगों के साथ में एक वीडियो शेयर की है, सब आपको बहुत हेल्प करेगी। तो आप ये कभी भी कर सकते हैं, कभी का तो टेंशन लीजिए ही मत, कोशिश करिए बस वाटर अफर्मेशन में आप एम्प्टी स्टमक पिए, अदरवाइज अगर वो भी नहीं होता है ना तो भी ईजी रहे। पानी तो पीते ही है ना दिन में बहुत बार, एक ग्लास कोई भी वैसा वाला अफर्मेशन सुनते हुए फील करते हुए आप पी लीजिए, ठीक है। बस अभी जो कल की आएगी वो आप देख लीजिएगा और उसके साथ में उसको फॉलो करते हुए चलिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है, कोशिश करना है कि आप अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखें। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि फिर ट्रैक करिए ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।